Sup guys, this is Kay. If you like this video, please like and subscribe. LIC Plan 905 Cancer Care. Hello, इस प्लान के फीचर्स एंड कंडीशंस देखते हैं. मिनिमम एज ऑफ एंट्री है 20 इयर्स कंप्लीटेड. इसका मतलब 20 साल पूरे होने चाहिए. मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 65 इयर्स लास्ट बर्थ डेट. इसका मतलब ये होता है ये पॉलिसी हम एज 20 से लेके 65 साल के एज ग्रुप को दे सकते हैं. मिनिमम टर्म है 10 साल और मैक्सिमम टर्म है 30 साल. इस पॉलिसी का मिनिमम कवर सीजिंग एज है 50 इयर्स, मतलब कैंसर कवर आपको कम से कम उम्र के 50 साल तक लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल तक, मैक्सिमम 75 इयर्स. मिनिमम सम अश्योर्ड इज 10 लैक्स, मतलब कम से कम सम अश्योर्ड आपको 10 लाख का लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा सम अश्योर्ड आप ले सकते हैं 50 लाख. मैक्सिमम सम अश्योर्ड इज 50 लैक्स. लेकिन इसमें पहले ली हुई LIC पॉलिसी का अगर आपने क्रिटिकल राइडर बेनिफिट लिया है तो वो भी इंक्लूड होगा. मतलब अगर 25 लाख का क्रिटिकल राइडर बेनिफिट आपने पहले किसी LIC पॉलिसी में लिया है तो ये पॉलिसी में आप सिर्फ 25 लाख ही सम अश्योर्ड ले सकते हैं, तो टोटल आपका 50 लाख हो गया. अब इसमें मोड्स देखते हैं. मोड्स सिर्फ दो ही अवेलेबल है, ईयरली और हाफ ईयरली. आप इसमें असाइनमेंट कर सकते हैं पॉलिसी का, नॉमिनेशन भी अलाउड है, लेकिन इसमें लोन अलाउड नहीं है. इसमें इनकम टैक्स के बेनिफिट भी अलाउड है. प्रीमियम भरते वक्त आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80D के अंडर बेनिफिट मिलेगा और जो भी पैसा आपको LIC से मिलता है उसमें आपको सेक्शन 10D के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा. इस पॉलिसी में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं. ऑप्शन 1 इज लेवल सम इंश्योर्ड, मतलब एक ही सम अश्योर्ड पूरे टर्म तक चलते रहेगा. और दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन सम इंश्योर्ड, मतलब पहले 5 साल में आपका सम अश्योर्ड 10% के हिसाब से बढ़ते जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा. चलो इसको डिटेल में देखते हैं. मान लेते हैं 30 साल की पॉलिसी है, मैं पहला ही प्रीमियम भरता हूँ तो मेरा सम अश्योर्ड 10 लाख का क्रिएट हो गया. अब यही मेरा जो सम अश्योर्ड 10 लाख का है वही कांस्टेंट रहेगा जब तक के पॉलिसी का टर्म 30 साल का पूरा ना हो तब तक. अब दूसरा देखते हैं इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड. इसमें मैंने पहला प्रीमियम भरा हुआ है और मेरा 10 लाख की पॉलिसी शुरू हो गई. अब इसमें 10% के हिसाब से मेरा सम अश्योर्ड अगले 5 साल के लिए बढ़ेगा, मतलब जब मैं दूसरे साल में प्रीमियम भरता हूँ तो मेरा सम अश्योर्ड 11 लाख हो गया, मतलब 10% बढ़ गया. तीसरे साल में जब प्रीमियम भरता हूँ तो मेरा सम अश्योर्ड 12 लाख हो गया. चौथे साल जब प्रीमियम भरता हूँ तो मेरा सम अश्योर्ड 13 लाख हो गया. और पांचवें साल जब मैं प्रीमियम भरता हूँ तो मेरा सम अश्योर्ड 14 लाख हो गया. और छठवें साल में यानी फिफ्थ ईयर में मेरा प्रीमियम हो गया 15 लाख. इसका मतलब अगले साल से मेरा प्रीमियम जो है वो सेम ही रहेगा और मेरा सम अश्योर्ड 15 लाख ही रहेगा. अब इसमें जो भी बेनिफिट मुझे मिलता है वो सारा जो बेनिफिट है वो अप्लाइड सम अश्योर्ड के हिसाब से मिलता है. अप्लाइड सम अश्योर्ड को बेहतर समझते हैं. इसमें दो प्रकार होते हैं. एक तो ऑप्शन 1 में जो मुझे बेसिक सम अश्योर्ड मिलता है उसको मैं अप्लाइड सम अश्योर्ड बोलता हूँ. तो ऑप्शन 2 में जो मुझे इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड मिलता है, दैट इज बेसिक सम अश्योर्ड प्लस इंक्रीज सम अश्योर्ड, मतलब जो बेसिक सम अश्योर्ड है 10 लाख उसके बाद हर साल 10% जो बढ़ती जाएगा उसको इंक्रीज सम अश्योर्ड बोलते हैं, उसको मैं अप्लाइड सम अश्योर्ड बोलता हूँ. मान लेते हैं 5 साल के अंदर, मतलब चौथे साल में कैंसर डायग्नोस हो गया तो चौथे साल में जो बढ़ा हुआ सम अश्योर्ड है वही हम लोग अप्लाइड सम अश्योर्ड कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं. चलो बेनिफिट्स क्या मिलते हैं देखते हैं. पहला बेनिफिट होता है अर्ली स्टेज बेनिफिट, मतलब कैंसर का अर्ली स्टेज है तो उसमें क्या बेनिफिट होता है वो देख मिलेगा. और दूसरा बेनिफिट है मेजर स्टेज बेनिफिट, यानी कैंसर का मेजर स्टेज है तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है. चलो डिटेल में देखते हैं अर्ली स्टेज बेनिफिट. मान लेते हैं थर्ड ईयर है पॉलिसी का और हमने ऑप्शन 2 अवेल किया है जिसमें 10% हर साल बढ़ेगा सम अश्योर्ड और तीसरे ही साल में अर्ली स्टेज डायग्नोस हो गया. अनफॉर्चुनेटली तीसरे ही साल में अर्ली स्टेज डायग्नोस हो गया तो अब जो भी बेनिफिट मिलेगा वो अप्लाइड सम अश्योर्ड 12 लाख के हिसाब से मिलेगा. अब अर्ली स्टेज में क्या बेनिफिट मिलता है देखते हैं. तो पहले ही इसमें आपको 25% ऑफ अप्लाइड सम अश्योर्ड मिलेगा, मतलब 12 लाख का 25%, यानी 3 लाख रुपए मिलेगा. और अगले 3 साल का प्रीमियम LIC खुद भरेगा, आपको 1 रुपया LIC में भरने का जरूरत नहीं है.
इसके बाद देखते हैं मेजर स्टेज पे डायग्नोसिस का बेनिफिट, यानी मेजर स्टेज डायग्नोस हो गया। मान लेते हैं तीसरे ही साल में आपको मेजर स्टेज डायग्नोस हो गया, तो इसमें जो बेनिफिट है वो है 100% ऑफ सम अश्योर्ड, मतलब पूरा का पूरा 12 लाख रुपया लाइफ अश्योर्ड को मिलता है। उसके बाद सारा का सारा जो प्रीमियम है दैट विल बी पेड बाय LIC प्रीमियम पे करेगा, और चौथे साल से हर महीना 1% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 12 लाख का 1% पर मंथ मिलेगा लाइफ अश्योर्ड को, मतलब 12,000 पर मंथ लाइफ अश्योर्ड को मिलेगा अगले 10 साल तक। और इसके बाद यानी 10वें साल के बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगी। चलो इसको डिटेल में और समझते हैं। मान लेते हैं कि पॉलिसी टर्म में पहली बार अर्ली स्टेज डायग्नोस हो गया तो पॉलिसी होल्डर को कितना मिला, 25% ऑफ द अश्योर्ड सम अश्योर्ड, मतलब 3 लाख रुपया मिला। उसके बाद 3 साल का प्रीमियम LIC ने भरा। उसके बाद मेजर स्टेज डायग्नोस हो गया, इसका मतलब अभी लाइफ अश्योर्ड को बचा हुआ 12 लाख का बचा हुआ 75% ऑफ अप्लाइड सम अश्योर्ड मिलेगा, यानी 75% ऑफ अप्लाइड सम अश्योर्ड हो गया 9 लाख रुपया। उसके बाद PWB का बेनिफिट भी मिलेगा, और उसके बाद रेगुलर इनकम जो 12,000 रुपया है वो भी मिलेगा। इसका मतलब ये पॉलिसी में हमें पहले तो कैंसर कवर का बेनिफिट मिलता है, उसके बाद उसमें इंक्रीजिंग कैंसर कवर या फिर इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड का बेनिफिट मिलता है, उसके बाद हमें रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिलता है, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी मिलता है। ये बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। इस पॉलिसी में हमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, इस पॉलिसी में हमें डेथ बेनिफिट भी नहीं मिलता। चलो इस पॉलिसी के एक्सक्लूजन देखते हैं। इस पॉलिसी में प्री कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, अगर किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है तो हम उन्हें ये पॉलिसी नहीं दे सकते। पॉलिसी शुरू होने के बाद अगर 180 दिन के अंदर कैंसर डायग्नोस होता है तो हम उन्हें ये पॉलिसी नहीं दे सकते। अगर किसी को HIV है, एड्स है, और उसके वजह से अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो भी इस पॉलिसी के बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है और उसके वजह से उन्हें कैंसर हुआ है तो भी इस पॉलिसी में ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई शराब पीते हैं तो शराब पीने के वजह से अगर कैंसर होता है तो भी उनको ये पॉलिसी के बेनिफिट्स नहीं मिलते। कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मतलब जो दवाइयां भी हम लोग कंसिडर करें ड्रग्स में, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है और उनके वजह से अगर कैंसर हुआ तो भी इस पॉलिसी के बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं। न्यूक्लियर कंटेमिनेशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, इन चीज़ों की वजह से अगर कैंसर होता है तो भी इस पॉलिसी के बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है और हर किसी के पास ये होनी चाहिए।